नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आकाश कटारिया आपका एस ट्यूटर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी तथा स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों, इसकी स्थिति देखते हैं, ये कहाँ स्थित है। स्थिति दोस्तों, ये कलकत्ता के वेलवेडर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ये कलकत्ता के वेलवेडर में स्थित है, वेलवेडर कलकत्ता में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थिति है वेलवेडर कलकत्ता में। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना का इतिहास है वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू होता है। दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू होता है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भारत के संविधान में भी दर्जा दिया गया है। इसका इसकी स्थापना इसकी स्थापना संघीय सूची के अंतर्गत संघीय सूची के अंतर्गत की गई अंतर्गत की गई इसकी स्थापना संघीय सूची के अंतर्गत की गई। आप जानते हो, संविधान पढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा, तो इसमें तीन प्रकार की सूची रहती है, सम सूची, समवर्ती और संघीय सूची। तो संघीय सूची के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, संघीय सूची के आर्टिकल 62 के तहत, आर्टिकल 62 के तहत और परिशिष्ट 7 के तहत। संघीय सूची के आर्टिकल 62 तथा परिशिष्ट 7 के तहत, परिशिष्ट 7 के तहत इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा इंट्रो था, आगे चलते हैं दोस्तों, जो इसकी स्थापना का इतिहास है वो पढ़ते हैं। स्थापना का इतिहास, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना का इतिहास दोस्तों। इसकी स्थापना का इतिहास, स्थापना का दोस्तों, इसकी स्थापना का इतिहास देखते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, 1835 में दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है, कलकत्ता पब्लिक कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1835 में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। और ये खुलता कब है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन होता है जनता के लिए 21 मार्च 1836 को खुलती है दोस्तों। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है वो 21 मार्च 1836 को जनता के लिए, सार्वजनिक यूज के लिए खोल दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जब जब इसका प्रयोग लगभग जो अंग्रेज अधिकारी थे तथा वहाँ की रियासतों के राजा थे, वो ही इसका यूज कर पाते थे दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 1891 में एक चीज़ और याद रख लीजिएगा दोस्तों,
1844 में दोस्तों, 1844 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है फोर्ट विलियम कॉलेज में थी, पहले थी ये फोर्ट विलियम कॉलेज में। विलियम कॉलेज में स्थित थी ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको 1844 में फोर्ट विलियम कॉलेज से मेटकॉफ हॉल ले जाया जाता है। तो इसका 1844 में स्थानांतरण कर दिया जाता है, 1844 में स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है दोस्तों, मेटकॉफ हॉल के अंदर, मेटकॉफ हॉल में। याद रखिएगा दोस्तों, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी जब वो थी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंतर्गत अंदर स्थित थी, और उसका 1844 में स्थानांतरण मेटकॉफ हॉल में कर दिया गया। दोस्तों 1891 में एक घटना घटित होती है, 1891 में एक घटना घटित होती है और इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है दोस्तों आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब क्या होता है दोस्तों, 1902 के आसपास जो भारत के वायसराय तत्कालीन गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की पुस्तकालयों के प्रति अच्छी खासी रुचि रहती है, तो वो अपनी रुचि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में दिखाते हैं, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो कलेक्शन रहता है, संग्रह रहता है, उसको इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में डाल देते हैं 1902 में। और कौन सा एक्ट पारित करते हैं, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करते हैं 1902 में, एक्ट पारित करा इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित, ठीक है। 1902 में क्या होता है दोस्तों, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो जाता है, और जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, दो लाइब्रेरी रहती है दोस्तों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और जो दूसरी रहती है दोस्तों वो रहती है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों। अब भारत का तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड कर्जन, वो क्या करता है, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का संग्रह है, मतलब जितने भी पुस्तक वगैरह हैं संग्रह, उसको मर्ज कर देता है, किसमें कर देता है दोस्तों, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में मर्ज मिला देता है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के संग्रह को इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में मिला देता है, और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित कर देता है दोस्तों। तो नई लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाएगी दोस्तों, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से दोस्तों, किस नाम से जानी जाएगी, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी है ये जनता के लिए खोली जाती है दोस्तों, याद रखना, जनता के लिए खोली जाती है या ओपन की जाती है, जनता के लिए ओपन की जाती है 30 जनवरी 1903 को, याद रखना दोस्तों 30 जनवरी 1903 को ओपन की जाती है दोस्तों। इसी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में आगे चलते हैं दोस्तों, नेशनल इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बन गई 1903 में, मतलब 1891 में बन गई थी, लेकिन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को संग्रह को मिला के इसकी स्थापना हो गई 1903 में, दो में एक्ट के तहत स्थापना हो गई, लेकिन उद्घाटन हुआ 1903 के अंदर दोस्तों इसका। तो 1903 में क्या होता है दोस्तों, जो लाइब्रेरी रहेगी 1903 में, कौन सी, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी।
तो दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई लाइब्रेरी रहेगी तो उसके लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यहाँ पे इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी थी, लेकिन इसके अंतर्गत कोई लाइब्रेरियन कार्य नहीं कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार का जो तत्कालीन अधिकारी रहते हैं लॉर्ड कर्जन साहब, वो ब्रिटिश म्यूजियम जो कि ब्रिटेन में स्थित है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, यूके का नेशनल लाइब्रेरी है, यूके की नेशनल लाइब्रेरी है, वहाँ से मैकफार्लेन को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? मैकफार्लेन को बुलाते हैं, और वो इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन रहते हैं? मैकफार्लेन। याद रखना दोस्तों, कौन रहते हैं? मैकफार्लेन, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। ये क्या आता है? ब्रिटिश नागरिक थे, याद रखना दोस्तों, ब्रिटिश नागरिक। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष, पहले लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लेन। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है 1928 में, दोस्तों याद रखना दोस्तों, 1928 में एक कमेटी आती है दोस्तों, रिची कमेटी। कमेटीज में भी पढ़ेंगे इसको, रिची कमेटी को यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कमेटी है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से काफ़ी संबंधित है, संबंधित है, इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। 1928 में एक कमेटी आती है दोस्तों, रिची कमेटी। और रिची कमेटी की एक सुझाव देती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, मतलब सॉरी, इम्पीरियल लाइब्रेरी के लिए, एक सुझाव देती है इम्पीरियल लाइब्रेरी के लिए, सुझाव देती है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट पुस्तकालय बना दिया जाए दोस्तों, इम्पीरियल लाइब्रेरी को। इम्पीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जो रिची कमेटी आती है 1928 के अंदर, सॉरी 1928 में आती है दोस्तों, ये प्रोफेसर रिची की अध्यक्षता के अंदर आती है, और ये इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी कॉपीराइट पुस्तकालय बनाने का सुझाव देती है दोस्तों। अब आगे क्या होता है, भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो इसका इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट पारित करते हैं, और इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, जो इंपीरियल लाइब्रेरी 1948 में इम्पीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट पारित करते हैं। ठीक है, इम्पीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट पारित किया जाता है 1948 में, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये अस्तित्व में आती है 8 सितंबर, अस्तित्व में आती है, याद रखना दोस्तों। विथ डेट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, अर्थात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या RPSC है, वो विथ डेट क्वेश्चन पूछता है, मतलब डेट के साथ में जो सन आता है तो चारों में एक ही सन आएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। तो ये अस्तित्व में आई थी 8 सितंबर 1948 को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। ये मेटकॉफ हॉल के अंदर ही रहती है, लेकिन याद रखना दोस्तों 1951 में इसको बेल्वेडियर लाया जाता है, 1951 में इसको बेल्वेडियर कलकत्ता में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इसका दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ये इतिहास है और इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। दोस्तों देखो, इसके प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी इसके प्रमुख लाइब्रेरियन रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहले लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लेन, में पढ़ा चुका हूँ जॉन मैकफार्लेन। याद रखना दोस्तों, ये 1903 से 6 तक इसके लाइब्रेरियन थे, 1903 से 6 तक। और पूर्व में ये ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे, पूर्व में ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे। पूर्व में ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे। थोड़ा सा ब्रिटिश म्यूजियम को देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश म्यूजियम यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय, यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों। देखो, इसकी स्थापना होती है, ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना होती है 1953 में दोस्तों, सॉरी 1753 में दोस्तों, 1753 में। परंतु एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना होती है, एक्ट के आधार पर वो होती है दोस्तों 1759 में। या आपसे यूं पूछा जाए ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट कब पारित होता है, तो 1759 दोस्तों। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट कब पारित होता है, 1759 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो पहले पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं जॉन मैकफार्लेन दोस्तों। ठीक है, इसके जो दूसरे पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं हरिनाथ डे, हरिनाथ डे दोस्तों। ये रहते हैं 1907 से 11 तक दोस्तों। और यह है पहले भारतीय रहते हैं जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं, ये पहले भारतीय रहते हैं, पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, हरिनाथ डे पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद में जो तीसरे पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं चैपमैन पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं 1911 से 1930 तक दोस्तों, 1911 से 1930 तक। इसके बाद में जो इसके लाइब्रेरियन बनते हैं वो बनते हैं के एम असदुल्ला साहब, के एम असदुल्ला 1930 से 47 तक, 1930 से 47 तक के एम असदुल्ला साहब इसके लाइब्रेरियन रहते हैं। उसके बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, इसके बाद में 1948 के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट पारित कर दिया जाता है और उसका इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन रहते हैं वो रहते हैं बी एस केशवन, बी एस केशवन दोस्तों। और इनकी अवधि रहती है दोस्तों 1900
48 से 63 तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 1948 से 63 तक जो पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन रहते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, वो रहते हैं बी एस केशवन। के बाद में 1963 से 67 तक वाई एम मोलिया इसके लाइब्रेरियन रहते हैं। उन्नीस सौ सड़सठ से सत्तर तक याद रखना, कालिया। कालिया 1967 से 70 तक इसके लाइब्रेरियन रहते हैं, वो रहते हैं कालिया। उसके बाद में एक बार फिर 1970 और 71 के मध्य बी एस केशवन वापस लाइब्रेरियन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, इसकी पहली महिला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा। इसकी पहली महिला लाइब्रेरियन, पहली महिला लाइब्रेरियन, इसकी पहली महिला लाइब्रेरियन थी कल्पना दास गुप्ता। दोस्तों कल्पना दास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा नेशनल लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और आपका हार्दिक आभार। देखो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ रहे थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका स्थापना का इतिहास पढ़ लिया था दोस्तों हमने। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में थोड़ा सा और बचा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मतलब जो कलकत्ता में स्थित है, ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत पुस्तकें प्राप्त करता है। डिलीवरी पुस्तकें प्राप्त करता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो ग्रंथालय अधिनियम पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1954 में पारित होता है दोस्तों, और ये एक्ट क्या बताता है। इस एक्ट के तहत 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसके तहत जो भी भारत के अंतर्गत जो भी प्रकाशन होगी, पुस्तक प्रकाशित होगी, उसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोनूमरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा रॉयल एसेटिक लाइब्रेरी बम्बई के अंतर्गत एक एक प्रति पहुँचाई जाएगी वहाँ पर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत, और उसी एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पुस्तक प्राप्त करता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा दोस्तों जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो एमएचआरडी के अंतर्गत, एमएचआरडी के संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करती है दोस्तों।
देखो इसके अंदर का जो तो संगठन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का एक एक संगठन बना हुआ है दोस्तों। एक संगठन बना हुआ है, इसके अंतर्गत तीन चार प्रमुख व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। जो प्रमुख व्यक्ति रहता है, सबसे जो प्रमुख शक्तियाँ किसमें निहित रहती है, प्रमुख शक्तियाँ निहित रहती है डायरेक्टर में, निदेशक के अंदर। डायरेक्टर में प्रमुख शक्तियां निहित रहती है, जो प्रमुख अधिकारी रहता है वो ये रहता है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत तीन अन्य अधिकारी कार्य करते हैं, मतलब जो निदेशक रहता है, डायरेक्टर रहता है, उसके अंडर के अंदर तीन व्यक्ति कार्य करते हैं। एक रहता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको दोस्तों डिप्टी लाइब्रेरियन भी बोला जाता है। दूसरा रहता है दोस्तों सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दोस्तों। जो तीसरा रहता है दोस्तों वो रहता है सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑफिसर। इस प्रकार दोस्तों इसका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का संगठनात्मक ढांचा रहता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों संग्रह व्यवस्थापन, संग्रह व्यवस्थापन। अर्थात नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अपने संग्रह का, अर्थात कलेक्शन का, बुक्स, मैप, म्यूजिक, जो भी कलेक्शन है उसका व्यवस्थापन, अरेंजमेंट किस हिसाब से करती है। तो याद रखना दोस्तों, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो DDC के अनुसार होता है। क्लासिफिकेशन DDC के 16 से 19वें एडिशन के अनुसार, DDC के 16 टू 19 एडिशन के अनुसार, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों कैटलॉगिंग होती है, जो दोस्तों कैटलॉगिंग होती है वो होती है दोस्तों SER2 के अनुसार, SER2 के अनुसार। दोस्तों जो बुक नंबर बनाया जाता है, ग्रंथांक, बुक नंबर हिंदी में बोलते हैं ग्रंथांक, ये CA कटर के अनुसार बनाया जाता है दोस्तों। और जो विषय सूची, सब्जेक्ट हेडिंग, विषय सूची, सब्जेक्ट हेडिंग, वो चलती है इसमें LCSH। LCSH का पूरा नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। आगे हम पढ़ेंगे रेफरेंस सर्विस, तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, तो याद रखिएगा। वैसे तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो इसमें सब्जेक्ट हेडिंग बनाई जाती है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से बनाई जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वर्ष में 362 दिन खुलता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वर्ष में 362 दिन खुलता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 362 दिन, 362 दिन
362 दिन खुलता है दोस्तों, 3 दिन ये नहीं खुलता है दोस्तों, 3 दिन ऐसे रहते हैं जब ये बंद रहता है। तो वो 3 दिन कौन कौन से हैं दोस्तों, 26 जनवरी, 26 जनवरी दोस्तों, 15 अगस्त दोस्तों, 15 अगस्त को भी बंद रहता है दोस्तों, और ये 2 अक्टूबर को भी बंद रहता है दोस्तों। 3 दिन ऐसे हैं जब ये नहीं खुलता है दोस्तों। आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत हम बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटी या बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, तो बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका एक प्रभाग है, मतलब इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी दोस्तों, जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पार्ट है या डिपार्टमेंट है। जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, ठीक है दोस्तों। और इसी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा INB का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, INB का प्रकाशन किया जाता है, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सॉरी नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो INB का प्रकाशन किया जाता है वो किसके द्वारा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं, INB का प्रकाशन किया जाता है क्वेश्चन आता है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तथा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी दोनों आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। याद रखना दोस्तों, एक जर्नल भी निकालती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसको, इंडेक्स इंडियाना, याद रखना दोस्तों, ये भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।